सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो गाइज, नीट 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया कि कोई भी नीट 2024 के लिए यहाँ पे रीनीट नहीं होने वाला है। तो इस चीज को तो सबसे पहले आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं भाई लोगों के, बहुत लोग सदमे में है, बहुत लोग अभी भी उम्मीद में है कि कहीं फिर से कुछ जादू हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वही डिसीजन फाइनल है। अब इस चीज को एक्सेप्ट करके आप लोग आगे बढ़िए, या जो भी आपको करना है आप अपने लाइफ में कीजिए, बट जो रियलिटी है इसे एक्सेप्ट करना सीखिए। अब कुछ भी नहीं होने वाला, रीनीट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नीट 2025 का। नीट 2025 को लेके बहुत सारी अपडेट्स आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो पास्ट है नीट 2024, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं वो सोच के अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप जितना सोचोगे उतना डिप्रेशन में जाओगे। बट जो फ्यूचर में होने वाला है, जो नीट 2025 में चेंजेस किए गए हैं या चेंजेस करे जाएंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में बात करने से यहां पे आप लोगों का फायदा होने वाला है। और अगर आप लोग नीट 2024 के बारे में ही सोचते रहोगे तो आपका नुकसान होने वाला है। चलिए बिना समय बर्बाद किए नीट 2025 के बारे में बात करते हैं। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो उन्होंने जो लेटेस्ट आर्टिकल में पब्लिश किया है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया गया है कि नीट 2025 में चेंजेस करा जाए। मतलब अभी तक जो नीट होते आ रहा था पेन पेपर मोड पे होता था, ठीक है? आपको सिंपली 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता था जिसमें आपको क्वेश्चंस बनाने होते थे। ये वन टाइम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट से ऐसा प्रपोज किया गया है कि नीट 2025 को 2 मोड में एग्जाम लिया जाए, प्री और मेंस। पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा, उसे जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद ही आपका काउंसलिंग होगा और आपको कोई भी एक गवर्नमेंट सीट मिलेगा डॉक्टर बनने के लिए। तो अगर प्री का बात करें तो बताया जा रहा है कि जो आपका प्री एग्जाम होगा वो पेन पेपर मोड पे होगा, जैसा कि अभी तक होते आ रहा है, और इसे एनटीए ही कंडक्ट करेगा। अब जो भी कट ऑफ का क्राइटेरिया होगा, जो लोग भी प्री क्वालिफाई करेंगे सिर्फ वही लोग मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। और जो मेंस एग्जाम है ये पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, आपका जो मेंस एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और इसे क्वालिफाई करने के बाद ही आपका काउंसलिंग होगा और आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगा जहां से कि आप एमबीबीएस कर पाओगे, बीडीएस कर पाओगे, या जो भी कोर्स आपका है वो आप कर पाओगे। अगर मेंस का बात करें तो मेंस को एनटीए कंडक्ट नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करेगी और वो पेन पेपर मोड में होगी। और जो मेंस एग्जाम है इसे सीबीएसई कंडक्ट कर सकती है, एम्स कंडक्ट कर सकती है, या फिर सीबीई कंडक्ट कर सकती है, इन तीनों में से कोई भी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है? तो आप लोग अपना राय हमारे साथ, अपना फीडबैक नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर नीट 2025 ऐसे 2 मोड में एग्जाम कंडक्ट होती है तो इससे आप लोग कितना सेटिस्फाइड हो या आप लोग कितना नाराज हो, स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है, कितना बेनिफिट होने वाला है, या फिर कितना नुकसान होने वाला है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल यही चीज़ बताना था, यही अभी अपडेट आई है नीट 2025 को लेकर। जैसे ही कुछ और भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पे वीडियोस देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।